भारतीय क्रिकेटर्स जो हैं वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेलना चाह रहे यार, सारे नहीं पर कुछ ऐसे हैं जो नहीं खेलना चाह रहे, और इस बात को लेकर बोर्ड जो है वो खुश नहीं है, सेलेक्टर्स जो है वो खुश नहीं है। सही है गलत है, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, उसकी कर लेते हैं बात। और सुनने में आया मतलब क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता चला कि ध्रुव जुरेल का डेब्यू हो जाएगा, कह रहे हैं भारत नहीं खेलेंगे। अब ये बात सही है, कितनी सही है, कितना दम है इस बात में, उसकी भी आज कर लेते हैं बात। चोपड़ा जी, क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ हमारा वाईटी शॉर्ट्स, मैंने एक बड़ा अच्छा नया एक वीडियो डाला है एक्चुअली, बॉल ऑफ द सेंचुरी, बॉल ऑफ द मिलेनियम वो डाली है मैंने, जरा देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग। और अगर अच्छी लगे आपको तो फिर शेयर कर लेना, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना, देख लेना, अच्छा लगे तो आई एम श्योर अच्छा लगेगा। पर अब जरा बात कर लेते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की बात पर, और बात बड़ी एक्चुअली में लेजिट है। और लेजिट क्यों है, ऐसी एक जमाना हुआ करता था जिसमें आपके पास कोई विकल्प नहीं होता था। अगर आप भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है, उस समय वनडे चल रहे हो सकते हैं, उस समय डेज क्रिकेट चल रही हो सकती है, क्योंकि हमारा जो सीजन है वो कोइंसाइड करता है, जब भारत का होम सीजन होता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसी समय भारत का होम सीजन होता है डोमेस्टिक लेवल पर। कभी सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, कभी विजय हजारे ट्रॉफी, और कभी रणजी ट्रॉफी, वो चल रही होती है ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। तो ऐसे में अगर आप भारतीय वो 16 के दल का हिस्सा नहीं हो, और अगर आप इंजर्ड नहीं हो और एनसीए में नहीं बैठे हो, तो फिर 100% मतलब इट वॉज अ नॉन नेगोशिएबल, फिर आपका नाम कुछ भी हो सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने तो दिलीप ट्रॉफी का मैच मुझे याद आ रहा है, युवराज सिंह, विक्रम राठौर, जय शर्मा, वीवीएस लक्ष्मण, वेंकटपति राजू, वेंकटेश प्रसाद, जवगल श्रीनाथ, सुनील जोशी, जितने भी क्रिकेटर्स थे जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेल रहे थे उस समय, लेकिन क्योंकि बीच में गैप था, लंबा सा गैप था, तो सारे के सारे दिलीप ट्रॉफी खेलने आए। छोटी सी एक जगह थी विजयवाड़ा में, जिस जगह पे मैच हो रहा था, विजयवाड़ा इज नॉट अ स्मॉल प्लेस एनीमोर, बैक इन द डे एक छोटी सी जगह, बड़ा मुश्किल से वहां मैदान तैयार हुआ हुआ था, पर सारे के सारे वहां पहुंचे खेलने के लिए, और आए हैं लगातार हैं, वो जहीर खान हो जाए, अनिल भाई हो जाए, सब खेलते थे यार। तो सबको ये पता था कि बड़ा सिंपल है, आई एम अ क्रिकेटर, मेरा काम क्रिकेट खेलना है, अगर मेरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नाम नहीं है तो फिर, या फिर नाम है और बीच में गैप है, गो एंड प्ले, क्योंकि खेलने से अच्छा कुछ नहीं है, और खेलना ही मेरा मतलब कर्म धर्म मेरा सब कुछ वही है। सो इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें बदली हैं। लोग इंटरनेशनल क्रिकेट को भी कहते हैं कि ये वाली सीरीज में अवेलेबल नहीं हूं, बाद में आऊंगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोहली, उनका कुछ अलग कहानी है, बट देर आर मेनी मेनी केसेस जहां पर दे हैव गिवन इट अ स्किप। वेस्ट इंडीज नहीं जा रहे यार, छोड़, लंबा सीजन हो चुका है, आई एम नॉट गोइंग। पहले ये था कि भैया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कोई ये नहीं कहता था कि मुझे नहीं खेलना है, सब खेलते थे, सारे मैचेस खेलते थे। ऑफकोर्स अब मैचेस ज्यादा हो गए, साथ में 2 महीने की आईपीएल आ गई है, तो पीपल हैव स्टार्टेड पिकिंग एंड चूजिंग, और उसके अंदर बोर्ड ने भी थोड़ा अकोमोडेट करना शुरू किया है, कह रहा कोई नहीं यार, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए, ये वाली सीरीज अगर तेरे को लगता है छोड़नी है, छोड़ दे, कोई बात नहीं, जिम्बाब्वे हम अपने बच्चे भेज देंगे, अभी भेजेंगे, देखना जुलाई में हम बच्चे भेजेंगे। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले जिम्बाब्वे भी पूरी टीम जाया करती थी, श्रीलंका भी पूरी टीम जाया करती थी, हर मैच वेस्ट इंडीज हम पूरी टीम के साथ जाते थे, कहीं पर भी कहते ना सेकंड स्ट्रिंग टीम नहीं भेजी जाती थी। पर अब समय बदला है, क्रिकेट ज्यादा हुई है, तो ये होने लगा है। बट दैट डज नॉट मीन आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलें, और अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे, अगर आप फिट हैं और उस समय फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है और आप भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है, तो गो एंड प्ले यार। और अगर किसी को लगता है मतलब कि उसको बिना खेले वापस आ जाऊंगा, वापस ये काम चल जाएगा, तो ए स्ट्रॉन्ग मैसेज हैज टू बी सेंट कि आपको हम तभी कंसिडर करेंगे जब आप जाके खेलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ आईपीएल खेल लोगे और उसके बाद तो उसके बलबूते पे आप सारी क्रिकेट खेलने लगोगे, ना। अजीत अगरकर के अगुवाई में जो ये सिलेक्शन कमेटी है, इससे मैं उम्मीद रख रहा हूं एक्चुअली कि दे विल पुट दैट लाइन इन द सैंड कि नहीं होगा, आप इंजर्ड हुए, आप बाहर गए, अब आपके पास वापसी का रास्ता जो है फर्स्ट क्लास की गलियों में से निकलता है। आपने अपने आप को कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, मुझे वापस इंडिया के लिए खेलना है, तो प्लीज जाइए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, थोड़े से आप थोड़ा सा जूते घिसिए और उसके बाद आइएगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन यहाँ ये हो सकती है कि भाई अगर मतलब विराट कोहली है या फिर जसप्रीत बुमराह है और उनका वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, कोई पर्सनल इशू है, एंड यू गिव देम अ ब्रेक एंड यू से कोई बात नहीं, या फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना हो रही हो, लेकिन अगर हो रही है तो भैया प्लीज गो एंड प्ले। और अगर बोर्ड या सेलेक्टर्स कोई खुश नहीं है, क्योंकि मैं तो ये भी सुन रहा हूं बहुत सारे युवा नहीं खेल रहे हैं यार, अ लॉट ऑफ यंग पीपल हैव प्लेड ओनली अ हैंडफुल ऑफ गेम्स, मैच नहीं खेलते हैं, खेल ही नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि आईपीएल में नाम ऑलरेडी आ चुका है, आईपीएल सीधा खेलेंगे भैया, वहां पे अच्छा करेंगे तो वैसे ही सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसी सोच आनी लोगों की शुरू हो गई है, विच इज नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा अभी भी खेल रहा है, राजिंग के रहाणे भी खेल रहा है, सब खेल रहे हैं बाबा, जाओ खेलो, दैट्स माय सजेशन एंड अ मैसेज। और अगर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, अगर थोड़ा सा इस बात को ट्राइंग टू इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, प्लीज डू इट इवन मोर इज व्हाट आई थिंक। तो ये तो एक कहानी हुई भारतीय क्रिकेटर्स के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के प्रति रुझान की, या फिर
थोड़ा सा सौतेला व्यवहार करने की, पर दी अदर स्टोरी इज कि ध्रुव जुरेल के खेलने के चांसेस हैं ऐसा सुनने में आया कि उनको डेब्यू कैप थमाई जाएगी, एंड आई एम थिंकिंग कि क्या सही है या गलत है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि केएस भरत को सबसे पहले उनकी कीपिंग पे जज करना चाहिए, और जितनी कीपिंग हमने उनकी देखी है मुझे एक्चुअली कुछ खराब तो नहीं लगा है, मुझे लग रहा है कीपिंग ठीक कर रहे हैं यार। डिफिकल्ट पिचेस हैं इसी वजह से आप केएल राहुल से नहीं करा रहे थे कीपिंग, आपने कहा मुझे एक स्पेशलिस्ट कीपर चाहिए, तो स्पेशलिस्ट कीपर के रूप में वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। हैदराबाद में उन्होंने दोनों इनिंग्स में बैटिंग भी ठीक की थी, ऑलमोस्ट मतलब सेकंड इनिंग्स में तो अगर थोड़ा सा और खेल जाते तो मैच शायद भारत जीत भी जाता। तो वंस अगेन आई विल बी लिटिल डिसअपॉइंटेड पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या केएस भरत को ये वाला मैच खेलना चाहिए, मेरे विचार में उनको खेलना चाहिए क्योंकि आप कीपर को कीपर की तरह खिला रहे हो, आपके पास ऑलरेडी आपके जो तीन स्पिनर हैं वो तीनों तो बैटर हैं अगर जड्डू खेलते हैं, नहीं तो दो तो पक्के बैटर हैं यार, अक्षर पूरी बैटिंग करते हैं, अश्विन पूरी बैटिंग करते हैं, उसके बाद आपके टॉप पांच तक बैटर हैं, फिर देन सिक्स एंड सेवन आठ पे आपका कीपर आता है, जड्डू खेल रहे थे तो नौ पे आपका कीपर आता है। अब नौ पे भी अगर आपको चाहिए कि यार बैटर रन नहीं बना रहा तो उसकी वजह से हम उसको ड्रॉप कर देंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि अगर उनसे आपको रनों की बहुत उम्मीद थी तो फिर नंबर नौ पे नहीं, फिर नंबर सात पे खिलाओ कभी, और आपने इनको अभी रन बनाते हुए देखा है इंग्लैंड लायंस के सामने, इंडिया के लिए खेलते हुए, इंडिया ए के लिए खेलते हुए केएस भरत ने रन्स बनाए थे और रन्स बनाकर यहां तक पहुंचे हैं, तो आई वुड बी स्लाइटली डिसअपॉइंटेड अगर भारतीय टीम उनमें से विश्वास बड़ी जल्दी हटा दे, क्योंकि ऑलरेडी पहले हो चुका उनके साथ, आप WTC के फाइनल में पहुंचते हैं वहां कुछ होता है, फिर आप वेस्ट इंडीज जाके सडनली आप गेम चेंज कर लेते हैं, वहां ईशान खेल जाते हैं, WTC में कोई और खेलते हैं, फिर आई मीन देयर हैज बीन अ लैक ऑफ कंटिन्यूटी जब से ऋषभ पंत इंजर्ड हुए, पर अभी तो रुक जाओ यार, अभी से दो ही टेस्ट हुए, एक और टेस्ट तो मिनिमम इनको कीपिंग करने, तो मैं तो वैसे चाहता हूँ पूरे पांच करें, पर अगर आपको बैटिंग इतनी जरूरी चाहिए तो भी एटलीस्ट एक और मैच तो मेरे विचार में देना बनता है, दैट्स जस्ट माय थॉट माय ओपिनियन। आपको क्या लगता है डू लेट मी नो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वो चेकआउट कीजिएगा। और एक और अच्छी बात है, हाँ यार ये वाली बात तो शुरू में बतानी चाहिए, कतर में हमारे जो एक्स नेवी पर्सनल थे जिनके खिलाफ डेथ सेंटेंस हो चुका था, दैट्स बीन रिवोक्ड, उनमें सात लोग भारत वापस भी आ चुके हैं, एंड नाउ सडनली आई स्टार्ट थिंकिंग कि जब ये डेथ पेनल्टी दी गई थी तो वो जो ट्विटर जो कि अब एक्स है उसमें मैंने बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों को देखा कि अरे ये देखो विश्व गुरु, अरे ये देखो तुम्हारी पॉलिटिक्स, अरे ये देखो तुम्हारी डिप्लोमेसी, सब के सब तुम बेकार हो, ऐसा जोर जोर से उन्होंने बोलना शुरू किया था। अब उस समय क्या सरकार कुछ नहीं बोल सकती, अब सरकार तो जाके टॉम टॉम नहीं करेगी हम बात कर रहे हैं हम छुड़ा लेंगे, क्योंकि सरकार हैज़ टू वर्क इन अ सर्टन फैशन राइट, फिर सरकार ये काम कर जाती है, वो छुड़ा के ले आती है आपके लोगों को, और अब जिन लोगों ने वहाँ पे वो जो मतलब बहुत सारी कीचड़ फेंकी थी अब उनका मुंह थोड़ा सा मुझे काला नजर आ रहा है, और दे विल नॉट अपोलोजाइज आई नो, पर थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि राष्ट्रनीति के सामने राजनीति नहीं हो सकती है, राष्ट्रनीति सबसे ऊपर है, राजनीति उससे नीचे है, और कई बार ये ज्यादा करके ना आप अपने देश के चांसेस को जेपर्डाइज कर देते हो, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्योंकि इस सरकार ने इस देश ने मतलब यूक्रेन से लोग निकाल लाए हम यार, कीव और रशिया को मतलब हमने मॉस्को को बोल दिया लड़ाई थोड़ी देर के लिए रोको, हमें अपने नागरिकों को निकालना वो भी हुआ है, मतलब कहां कहां से लोग कॉन्फ्लिक्ट जोन से निकाल कर लेकर आ गए हैं, तो इसका मतलब कुछ तो सही कर रहे होंगे जो लोगों को लेकर आ पा रहे हैं, मतलब कतर से ले आए डेथ पेनल्टी थी बहुत, सात भारत ऑलरेडी आ चुके हैं, सो जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, जरा खुश होइए थोड़ा सा, पहले राष्ट्रनीति उसके बाद राजनीति, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था ना अभी, इसीलिए आज के लिए अभी के लिए मेरे पास वैसे इतना ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा, और नहीं मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, पर जब देश के ऊपर कोई बात आती है ना तो यार दिल से आवाज निकलती है, ऑनेस्टली मैं तो अभी फाइटर देखने गया था, आंखों से आंसू आ रहे थे बहुत सारे, नॉट दैट आई रियली लाइक द मूवी, पर जब वो होता है ना कि वो रेड नोज को जब उड़ा रहे थे, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।